ड्रैग मोड हो गया जो आपका क्रूज़ कंट्रोल हो गया, और जो आपको रिवर्स मोड जो देखने को मिलता है, वो बेसिक जो चीज़ें आती है वो भी फीचर ये आपको गाड़ी प्रोवाइड करती है। बात करने वाले हैं ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो कि प्राइस में भी काफ़ी डिसेंट है, मतलब आपको मिड रेंज मिल जाएगी, ओला और एथर के जैसे हाई रेंज भी नहीं मिलेगी, और आपको इसमें क्वालिटी वाइज भी और ओवरऑल एक अच्छा पैकेज मिलता है। वो गाड़ी है ये बाउंस इन्फिनिटी की ईवन। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या ये फीचर्स प्रोवाइड करती है आपको, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि बहुत वैल्यू पैकेज है और क्यों मेरे को ये गाड़ी अच्छी लगी है। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम की से स्टार्ट करें तो कुछ इस तरीके की आपको इसमें की देखने को मिलती है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें एक अच्छी चीज़ है कि आपको फिजिकल की देखने को मिलती है। तो ज़्यादा ऐसे जो वो होता है ना कि ओला वाला दिक्कत होता है, जैसे कि कभी कभी वो स्क्रीन ख़राब हो गया या स्क्रीन बंद हो गया, तो वो जो नॉर्मल छोटी छोटी दिक्कत है ना वो नहीं आती। तो मेरे को पर्सनली ना फिजिकल की वाली ईवी ज़्यादा बेटर लगती है, तो उस हिसाब से आपको ये की देखने को मिलती है। मैं इसको इंसर्ट करता हूँ और इसके बाद ना आपको इसकी एक्सटीरियर के बारे में एक बार बताना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये लग चुकी है, ये देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका एक्सटीरियर की लुक बात करते हैं। चलो सबसे पहले ना इसकी लाइट देखो, यहाँ पे आपको गोल DRL मिलते हैं ऐसे गोल गोल ऐसे बिट्स में, और ये आपका डिपर है, ये आपका अपर है, तो ये अलग अलग है। मतलब लाइट का थ्रो बोलूँ ना तो काफ़ी सही है, आपको सिटी टू सिटी ड्राइव करना है उस हिसाब से ना लाइट काफ़ी अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ओला से रिजेंबल कर रहा है, ओला में हॉरिजॉन्टल आता है, इसमें थोड़ा वर्टिकल सेटअप दिया गया है गोल गोल LED का, अच्छी लगती है मैं अगर पर्सनल ओपिनियन में बताऊँ तो। अब आगे की बात करें तो इसमें कुछ इस तरीके की सामने की पूरी पूरी प्रोफाइल है। यहाँ पे आपको ना सामने में देख सकते हो ये जो पार्ट है ये ग्लॉस ब्लैक में आपको देखने को मिलता है, और ये आपके इंडिकेटर्स दिए गए हैं सामने में। ऐसा कुछ प्यारा सा लुक है इसमें, काफ़ी मतलब ऐसे क्यूट लुकिंग ईवी है ये भी, ऐसा कोई स्पोर्टी वाला लुक इसमें नहीं है। इसमें एक चीज़ आपको बहुत अच्छी प्यारी मिलेगी जो कि इसकी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको सामने देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है सामने। टायर साइज की मैं अगर एक बार बात करूँ तो इसका है 90-90-12 इंचेस के आपके टायर, मतलब अलॉयज देखने को मिल जाते हैं इस तरीके के, सिंपल ब्लैक फिनिश में है स्मोक में। तो ये कुछ ऐसा है सामने, एक अच्छी चीज़ है कि आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है तो अच्छी बात है। साथ ही में आपको पीछे भी डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा। और मैं अगर बात करूँ ना इसकी साइड प्रोफाइल की तो कुछ इस तरीके की आपके यहाँ पे साइड प्रोफाइल देखने को मिल जाती है, देख सकते हो यहाँ पे इन्फिनिटी बाउंस इन्फिनिटी ईवन की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे आपका फुटरेस्ट जो मिलता है जो फीमेल्स के लिए वो यहाँ पे देखने को मिलता है, और जो चीज़ मैं बोल रहा था ना रियर में डिस्क ब्रेक आपको, वो ये देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है रियर में। इसमें आपका है मोटर देखने को मिलता है जिसकी कैपेसिटी मैं डिस्प्ले कर दूंगा स्क्रीन पे। हब मोटर आपको यहाँ पे दिया गया, कोई बेल्ट वाला सिस्टम नहीं दिया गया है, क्योंकि पर्सनली ना ये चीज़ सही है क्योंकि एक तरीके से आपका ये जो तामझाम होता है दिक्कतें वो आपको बताती है, जैसे बेल्ट की कुछ कुछ दिक्कतें होती है तो वो इस पे नहीं होंगी, डायरेक्ट आपको मोटर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एक और अच्छी चीज़ बताऊँ साइड में आपको, ये देखो यहाँ पे इसके जो फुट रेस्ट है ना आपको कुछ नहीं करना है, बस एक बार ऐसे करो बाहर आ जाती है और आप ऐसे लगा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा यूनिक इंटीग्रेशन है इस चीज़ का फुटरेस का। और एक चीज़ मैं बोल रहा था, जो नॉर्मल ईवी आती है जैसे इस रेंज में जो बाकी ईवीज आती है, अगर मैं बात करूँ जैसे कि हो गया एम्पियर हो गया मैग्नस हो गया या हीरो की गाड़ी होती है, वो सारी जो ईवीज आती है ना वो थोड़ी सी ना क्या है क्वालिटी में अच्छी नहीं होती है, उसकी काफ़ी चीप सी क्वालिटी लगती है, थोड़ी हल्की हल्की गाड़ी लगती है, तो उस हिसाब से ना मेरे को वो अच्छी नहीं लगती है। पर इसमें वो इसका प्लस पॉइंट है कि इतने कम रेंज में भी इतनी अच्छी आपको क्वालिटी देखने को मिलती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ना ये देखो, ये हालांकि है फाइबर पर इसकी क्वालिटी ना बहुत सही है, जैसे ये देखो इसकी क्वालिटी भी देखो और इसकी क्वालिटी भी देखो एक बार, तो ये सब की ना क्वालिटी मेरे को बहुत सही लगी, इसीलिए मैं इस गाड़ी को आपके सामने रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पर्सनली ये गाड़ी पसंद आई है जिस प्राइस रेंज में है। मैं बार बार बोल रहा हूँ प्राइस रेंज के हिसाब से जज करना, ओला एथर से कंपेयर मत करना क्योंकि 1 लाख से नीचे वाली गाड़ी है, प्राइस आपको बाद में बताऊंगा। रियर की बात करें तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे टेल लैंप देखने को मिलती है, LED आपको यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे आपके इंडिकेटर्स हैं जो कि अच्छे लगते हैं। तो ये तो हो गई रियर की बात, और इधर बात करें ना तो ये जो स्पेस है आपको, ये जो स्पेस मिलता है आपको यहाँ पे फुटरेस्ट बोल लो, ये फ्लैट है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि यहाँ पे आपको कुछ सामान कैरी करना है तो वो आप आसानी से कैरी कर सकते हैं क्योंकि ये फ्लैट बॉटम आपको देखने को मिलता है। साथ ही में यहाँ पे हैंगर मिलता है, आप कुछ भी हैंग कर सकते हैं यहाँ पे भी मिलता है, अगर कोई झिल्ली विल्ली हैंग करना है तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या ये चीज़ें प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपर लाइट्स का ऑप्शन मिल जाता है, इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, हॉर्न मिल जाता है कुछ इस तरीके की पत्ती से आपको हॉर्न मिलती है, गोल गोल आपको यहाँ पे मिरर्स देखने को मिल जाते हैं, ये थोड़े से ना हल्के लग रहे हैं पर ऐसा कुछ नहीं है कि वाइब्रेशन की वजह से ऐसे चेंज हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, वाइब्रेशंस तो है ही नहीं गाड़ी में, तो ये उतने भी ऐसे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, अच्छे खासे मिरर्स हैं और मतलब पीछे का व्यू भी काफ़ी अच्छा इसमें देखने को मिलता है। ये आपका कुछ इस तरीके का डिस्प्ले है,
यहाँ पे बटन्स हो गए, यहाँ पे देखो दो डिस्क रहते हैं, यहाँ पे आपको ऑयल मिल रहा है इसका, यहाँ पे आपको मिलता है सामने का। तो इस तरीके के आपके दोनों डिस्क ब्रेक काम करते हैं। इधर बात करें तो यहाँ पे आपको हजार्ड लैंप का ऑप्शन मिल जाता है और आप ना इन सारी चीज़ों से ना काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो पे। ये आपके पावर, इको और ड्रैग मोड आपको देखने को मिलता है। ड्रैग मोड क्या है, चलिए उसके बाद में डिस्कस कर लेते हैं कि वो ड्रैग मोड आपको क्या है। तो इसमें ना एक काफ़ी प्यारा सा फीचर आता है, जैसे कि अगर आपकी गाड़ी, वैसे तो ट्यूबलेस टायर है, पर आपकी गाड़ी जैसे मान लो पंचर हो जाती है तो वो फ्लैट टायर हो जाता है, तो फ्लैट टायर होता है क्या, धक्का देने में थोड़ी दिक्कत होती है हम लोगों को ऐसे खींचने में, तो उसके लिए इसमें फीचर दिया गया है। जैसे कि अभी मैं बताऊँ ना, तो जैसे ड्रैग रेस है, ड्रैग मोड है सॉरी, तो जैसे आप ब्रेक दबा के इसको ऑन करेंगे, तो जैसे यहाँ से आप ऑन करेंगे ना, तो यहाँ पे ये इन्फिनिटी लिख के आएगा और ये रेडी हो जाती है। अगर मैं हल्का सा एक्सीलेट करूँगा तो चलेगा। तो आपको क्या करना है, बस इसको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस ये हजार्ड लैंप चलाना है, ड्रैग मोड में शिफ्ट करना है, आपको ब्रेक दबा के रखना है। देखो यहाँ पे ड्रैग लिखा आ गया, तो आप ब्रेक छोड़ेंगे ना तो वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में वो ऐसे अपने आप चलने लग जाएगी, और आप ब्रेक दबाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से ये ड्रैग मोड आपको यहाँ पे काम करता है। ये पासिंग लाइट है, मैंने आपको बताना भूल गया था। तो और एक चीज़ और अच्छी चीज़ आती है इसमें कि अगर आपको क्रूज़ कंट्रोल चाहिए तो वो भी आपको इसमें देखने को मिलता है। वो कैसे काम करते हैं, आप कोई भी पर्टिकुलर स्पीड पे होंगे, जैसे कि आप इको पावर मोड पे हैं, किसी पे भी कोई भी आप पर्टिकुलर स्पीड पे हैं, आपको बस क्या करना है, ये वाला जो पासिंग लाइट का बटन ना, इसको 3 सेकंड तक दबाना है। अगर आप इसको दबाएंगे तो वो क्रूज़ कंट्रोल ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। तो उस तरीके से आप क्रूज़ कंट्रोल भी सेट कर सकते हैं। तीसरी चीज़, इसमें एक और अच्छी चीज़ आती है जो आता है ना रिवर्स मोड, वो भी आप इसमें आपको इसमें देखने को मिलता है। आपको कुछ नहीं करना है, इस पर भी नॉर्मल आपको ये जो पावर इको मोड पे रखना है गाड़ी को, ठीक है, इसको हजार्ड लैंप को चलाना है आपको, फिर क्या करना है, ये वाली जो राइड है उसको चालू करके रखना है। तो देखो यहाँ पे ना रिवर्स लिख के आ जाता है। अब हल्का सा एक्सीलेट करेंगे तो गाड़ी पीछे होना शुरू हो जाएगी, और ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे वो हट जाता है, और उसको अगर आप बंद करेंगे ऊपर तो भी वो उससे हट जाता है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया, जो ड्रैग मोड हो गया, जो आपका क्रूज़ कंट्रोल हो गया, और जो आपको रिवर्स मोड जो देखने को मिलता है, वो बेसिक जो चीज़ें आती है वो भी फीचर ये आपको गाड़ी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी उसमें। हाँ, आप फटफट से एक बात कर लेते हैं कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको ना दो जगह पे मिलती है, जो इसकी फुल है, ये फुल और ये एम्प्टी, जो आपका बैटरी का इंडिकेशन है वो यहाँ पे स्पीड आपको शो होता है, यहाँ आपको ऑडोमीटर है, 97.2 किलोमीटर चल चुकी है, रेंज यहाँ पे आपको शो होता है। जैसे कि अभी मैं बताऊँ तो अभी इको मोड पे है गाड़ी, यहाँ पे आप इको मोड देख सकते हैं, तो यहाँ पे 66 किलोमीटर की आपको रेंज शो हो रही है। पावर पे मैं अगर डालूंगा तो यहाँ पे 52 किलोमीटर की रेंज शो होती है। अब रेंज की बात कर ही रहे हैं तो हम ये भी बता देता हूँ कि आपको इसमें रेंज कैसे कैसे देखने को मिल जाती है। अगर मैं रेंज की बात करूँ तो अगर आप स्पोर्ट मोड में कंटिन्यूसली चलाएंगे तो ये गाड़ी आपको दे देगी 55 के अराउंड रेंज। अगर आप इको मोड में कंटिन्यूसली चलाएंगे तो आपको ये गाड़ी दे देगी 70 के आसपास। प्रैक्टिकल रेंज की बात कर रहा हूँ मैं, अगर कंपनी क्लेम रेंज की बात करूँ तो 85 कंपनी क्लेम करती है, तो उस हिसाब से है। पर आप प्रैक्टिकली बात करोगे, कितना भी खींच के चलाओ, आपको आराम से एवरेज 70 किलोमीटर्स की ये रेंज दे देती है। चलिए बूट की बात कर लेते हैं, सब चीज़ तो मैंने आपको बता ही दिया ऑलमोस्ट। बूट कैसे खोलना है, बस आपको नॉर्मली ऐसे करना है, बूट आपका ओपन हो जाता है, नॉर्मली बूट रिलीज हो जाता है। तो ये आपकी इस तरीके की बूट मिलती है। यहाँ पे आपको इसका बैटरी देखने को मिल जाता है, 48 वोल्ट आपको लिखा हुआ है, और ये आपकी 2 किलो वाट आर की बैटरी है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इस ब्रांड का एक अच्छा फीचर्स देखने को मिलता है, जैसे कि अगर आपको दो ऑप्शन इसमें देखने को मिलते हैं बैटरी की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होता है आपका जो गाड़ी के साथ आप बैटरी भी ले सकते हैं, जो आपका ऑन रोड की बात तो नहीं, एक शोरूम में बताऊँ, एक शोरूम रायपुर में आपको 79,000 के आसपास पड़ती है, प्राइसिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ गाड़ी लेनी, बैटरी नहीं लेनी है, तो वो आपको पड़ेगी अराउंड 55 के आसपास, बता देते हैं एक शोरूम, एवरेज एग्जैक्ट नहीं है पर एक एवरेज फिगर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो उससे फ़ायदा ये होता है, अगर आपको बैटरी नहीं लेनी है तो आप 22,000 आप बचा सकते हैं, और आप यहाँ से ना स्वॉप कर सकते हैं बैटरी, मतलब उसका भी एक सब्सक्रिप्शन प्लान रहता है, 800 रुपये महीने का कुछ का ऐसा कुछ प्लान रहता है, तो उसमें आप स्वॉप कर सकते हैं बैटरी। आपको बैटरी नहीं, वहाँ जाके बस आपको एक्सचेंज करना है, QR कोड से स्कैन करके आप स्वॉप कर सकते हैं, ठीक है। पर अगर बैटरी के साथ लेनी तो आपको 80,000 के आसपास ही गाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी। प्लस आपको यहाँ पे स्टेट GST भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो सेंट्रल GST तो आपको इन लोगों ने पहले ही माइनस करके आपको बेचेंगे, प्लस आपको स्टेट GST भी 10% देखने को मिलता है, तो वो आपको और फ़ायदा 10,000 करा ही देगी। बूट की बात करें तो यहाँ पे आपको हाफ मिड साइड का हेलमेट होता है, वो आप यहाँ पे आराम से सेट कर सकते हैं। बैटरी आप यहाँ से आराम से प्लग इन प्लग आउट कर सकते हैं, पूरा ऐसे कुछ ज़्यादा तामझाम वाला सिस्टम नहीं, यहाँ से आप आराम से ऊपर नीचे करके बैटरी निकाल सकते हैं, कहीं पे और ले जाके चार्ज आराम से इसको कर सकते हैं। ये इसका वो है जहाँ पे आप जो नॉर्मल सॉकेट्स होते हैं कुछ वो आप यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे आप चार्जिंग सॉकेट भी हैं। और एक छोटा सा टेंशन डिटेल वाली बात करूं, देखो यहाँ पे आप चार्जर लगाएंगे और उसका वायर ना यहाँ से आप निकाल सकते हैं, देखो ये ऐसे निकल जाता है, तो आप यहाँ से निकाल के उधर आप अपने पास रख भी सकते हैं। तो वो एक छोटा सा नीटली इंटीग्रेटेड टच है। तो इस तरीके की आपकी बैटरी होती है, प्राइसिंग मैंने आपको बता दी, बैटरी
भी आपको मैंने बता दिया है। बस एक चीज़ और बच चुकी है इस गाड़ी के बारे में, वो है इसमें आपको जो फ़ोन में कनेक्टेड फीचर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो उसमें क्या क्या मिलता है आपको, आपको रेंज मिल जाएगी, बैटरी कैपेसिटी कितनी है वो मिल जाएगी, आपको जियो फेंसिंग का फीचर देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ इसमें दो फीचर्स, दो सिम आते हैं सॉरी, एक बैटरी में आता है एक गाड़ी में आता है। तो आप गाड़ी को भी जियो फेंसिंग कर सकते हैं और बैटरी को भी, जैसे बैटरी हम कई बार लगा के छोड़ देते हैं ना होटल्स पे, बाहर पे भी चार्ज करते हैं तो फिर वो चोरी हो जाएगी मान लो, तो आप 45 डेज तक उसको भी ट्रैक कर सकते हैं। बैटरी में इतनी कैपेसिटी रहती है कि वो सिम को एक्टिव रखता है 45 डेज समथिंग तक, ठीक है। तो वो दो फीचर आपको मिलता है जियो फेंसिंग के लिए। और साथ ही साथ आप इसमें अपडेट्स भी ला सकते हैं बिना किसी नेटवर्क के या फिर सर्विस सेंटर में जाके, बस आपको गाड़ी स्टार्ट रखनी है तो सिम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा अपडेट आया है, तो आप फ़ोन से भी अपडेट कर सकते हैं। तो ये तो थी भाई अपनी बाउंस इन्फिनिटी की इवन, काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइसिंग में आती है और काफ़ी अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ अच्छा खासा इसका कंफर्ट है और जो अपनी बॉडी क्वालिटी है, बॉडी प्रोडक्ट है, तो उस हिसाब से मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। अब चलिए फटफट से इसका ड्राइव भी कर लेते हैं और एक और ऑल कंक्लूजन आपको मैं बताता हूँ, ठीक। चलो तो चलिए अब ड्राइव करके देखते हैं और बताते हैं कैसा इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस रहता है। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपका पूरा ओवरऑल है। आप यहाँ पे बस ब्रेक दबाएंगे, एक्सीलेटर देंगे और ये गाड़ी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। तो ये देखो चलना स्टार्ट होगा यहाँ पर। तो अब इनिशियल इंप्रेशन बताऊँ तो लीनियर डिलीवरी है पावर की, तो जो होती है अपनी नॉर्मल ईवी की तरह ही है, ऐसा कोई जर्कीनेस मेरे को यहाँ पे फील नहीं हुआ। हालांकि इको मोड में है तो अभी कुछ बोल नहीं सकते, इको मोड में तो काफ़ी सही मेरे को पावर डिलीवरी लग रही है इसकी। और थोड़ा कंट्रोल अंट्रोल की बात करें ना तो हैंडलिंग काफ़ी इसकी डिसेंट है, बस आप ना थोड़ा ऐसे नीचे नीचे बैठोगे इसमें, मतलब हैंडल आपका थोड़ा नीचे लग सकता है। अगर मैं कन्वेंशनल बाकी स्कूटर से बात करूँ जैसे एक्टिवा हो गई, ये इन सब की हो गई ना, तो उसके कंपैरेटिव में थोड़ी सी नीचे स्टेयरिंग है। तो ये मेनली ना लड़कियों के लिए और जो यंग बच्चे हैं जिनको ऐसे ट्यूशन व्यूशन जाना होता है उनके लिए ना काफ़ी सही गाड़ी हो सकती है। बाकी तो चलाने के हिसाब से डिसेंट पावर ये डिलीवर कर रही है, ऐसा कोई मेरे को बेकार नहीं लग रहा है। और बाकी तो ठीक है, अगर मिरर इरर की भी बात करें तो उसकी भी विजिबिलिटी काफ़ी आपको यहाँ पर सही मिलती है। और आपको यहाँ पे इको में टॉप स्पीड 40 की मिलती है, और अगर मैं बात करूँ तो स्पोर्ट्स मोड की बात करूँ तो स्पोर्ट्स में आपकी टॉप स्पीड की बात करूँ तो आपको 65 की यहाँ पे देखने को मिल जाती है। हालांकि मैं 65 यहाँ पे जा तो नहीं पाऊँगा क्योंकि इसकी उतनी ज़्यादा डिलीवरी नहीं है, फिर भी एक बार मैं ट्राई करके देखूँगा। तो चलो अगर मुड़ के देखते हैं इसकी मनूवरिंग के हिसाब से कैसी है हैंडलिंग। तो मनूवर तो आप अच्छे से कर सकते हैं, जैसे कि देखो मैं आराम से कर लिया, कोई ऐसे जर्क नहीं हुआ, झटका वटका नहीं लगा मेरे को, इजी टाइप का वो चीज़ है। अब चलो डालते हैं इसको पावर मोड पे, देखो यहाँ पे पावर मोड लिखा आ चुका है, ठीक है। अब एक बार इसको थोड़ा ना पुल करके देखते हैं कि कितना जाती है ये टॉप स्पीड। देखो टॉप तो नहीं जा पाएगी, वो आपको थोड़ा हाईवे में ही जाना पड़ेगा टॉप में, अभी तो नहीं जा पाएगी टॉप की क्योंकि आगे ब्रेकर आ चुका है, मैं ज़्यादा भगा भी नहीं सकता इस गाड़ी को। ये है ऐसे नॉर्मली ईवी है, तो ईवी में आपको पता होगा कि आपको नॉर्मली रीजनरेटिव ब्रेकिंग आपको देखने को मिलती है रीजन, तो वो चीज़ आपको इसमें देखने को नहीं मिलती है। इसमें ऐसे कंपनी कोई क्लेम नहीं करता है कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग यहाँ पर काम कर रही है, पर अगर मैं एक्सीलेटर छोड़ दूँ ना तो वो थोड़ा सा ना ऐसे ब्रेक लेती है, पता नहीं मोटर का क्या दिक्कत है पर वो थोड़ा सा ब्रेक लेती है। ऐसा कोई इशू नहीं है पर वो है कि आपको रीजन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, वो एक छोटा सा फीचर मिस करती है ये कंपनी यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पे एक और फीचर है यहाँ पे जो मैंने आपको बताया वीडियो पे, जो आपका क्रूज़ कंट्रोल वाला फीचर है, उसको आप नॉर्मली एक्टिवेट कर सकते हैं इस वाले बटन से, जो यहाँ पे पासिंग लाइट वाला बटन है येलो कलर का, उसको आप दबा के रखेंगे तो वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो अब ये है भाई छोटा सा ड्राइविंग रिव्यू, ज़्यादा कुछ तो मैं एक्सपीरियंस नहीं कर सकता पर मैं बता सकता हूँ कि राइडिंग वाइडिंग के हिसाब से ड्राइव क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है एक ईवी के हिसाब से, और ब्रेकिंग भी बहुत सही है क्योंकि सामने और पीछे डिस्क ब्रेक है। अभी जैसे मैं यहाँ पे ब्रेकर में ऐसे जंप कराऊँ तो ब्रेक जो सस्पेंशन का ट्रेवल है जो क्वालिटी है वो भी डिसेंट है, तो ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तो नहीं है पर काफ़ी सही परफॉर्म करती है इसके ब्रेक्स और सस्पेंशन। तो ये तो थी भाई बाउंस इन्फिनिटी की इवन, तो ये था छोटा सा वीडियो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई भी डिटेल्स आपको जाननी हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये था वीडियो छोटा सा, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को। बाय बाय।